मैं शून्यकाल में आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपना विषय उठाते समय एक विषय उठाएं, अपनी संक्षिप्त में बात करें। अधिरंजन जी, सर हम लोग सुबह से ही सर सदन चलाने के लिए तैयार था। ना, गलत नहीं सर, आप तथ्यां लेकर आए, कुछ नारेबाजी कर रहे हैं सर। मैंने तो बोलने का कोशिश नहीं किया, आपको बोलने का पूरा मौका दिया, आप तथ्यां लेकर आए और सर लेकर आए नहीं आए। और सर गृह मंत्री को जवाब देना चाहते थे, वो मिनिस्टर जवाब से बच गए। गृह मंत्री जी जवाब देना चाहते थे, आप जवाब सुनना नहीं चाहते। नहीं सर, आप मैंने आपको कई बार मौका कहा, बेटे गृह मंत्री जवाब जवाब देना चाहते। कल हम एक घंटे चिल्लाया, आपने हाउस बंद किया। कल हम एक घंटा नारे लगाए, फिर भी हाउस बंद नहीं किया। आज कुछ बोलते नहीं, तो बोलो आज कुछ नहीं बोला, फिर आपने तुरंत आपका कोई ठीक है। मैं बोलता हूँ सर, हिंदुस्तान में एनआरसी को लेकर बात, एक बार एक मिनट सर, एनआरसी को लेकर सीए लेकर सारे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सारे प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन महात्मा गांधी जी की नॉन वायलेंट सत्याग्रह की तौर पर होते हैं। सर ये महात्मा गांधी जी जो दुनिया की शांतिपूर्ण आंदोलन की नेतृत्व दिया करते थे, जिनकी सारे दुनिया में पूजा होते हैं, जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानते हैं, फादर ऑफ द नेशन मानते हैं, जो महात्मा गांधी सारे हिंदुस्तान के नहीं बल्कि सारे दुनिया को पीड़ितों लोगों को नेता है, सारे दुनिया जिनको पूजा करते हैं, आज वो महात्मा गांधी को यहाँ गाली दिया जा रहा है। महात्मा गांधी को ये कहते हैं कि सत्याग्रह ये नाटक था। सर ये रावण की औलाद, ये रावण की औलाद है, राम के पुजारी को, राम की पुजारी को ये अपमान कर रहे हैं, ये रावण की औलाद। गौर से राजा जी, एन के प्रेमचंदन जी, जगन माननीय सदन नेता, मैं आपसे महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता, सारे दुनिया के पीड़ित लोगों को पिता समान है, वो महात्मा गांधी को बीजेपी पार्टी को हेग रहे। नो, गलत। नो, आप वक्त तोड़ देना चाहते हैं। जी,
आप सर, हमें उम्मीद था कि हमारा पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर शर्मिंदगी होके कुछ अच्छा बात करेंगे, अच्छा बयान देंगे, लेकिन ये गांधी जी को जो देशद्रोही बनाना चाहते हैं उन्हीं का मददगार है सर। ये गौडसे की विरासत संभालने वाले, गौडसे की विरासत संभालने वाले लोगों से हम ज्यादा उम्मीद नहीं करते। ये राम नरेंद्र मोदी, वी हैव दिस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हैज गॉट माननीय सदस्यगण, पूर्ववर्ती महात्मा गांधी एंड महात्मा गांधी जी का 150 एक मिनट बैठ जाइए। नो संसद जी का एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप सब अगर सदन को व्यवस्थित चलाना चाहते हैं, सदन पे चर्चा वाद संवाद करना चाहते हैं, तो मैं सदन चलाऊंगा। अगर आपकी इच्छा है कि सदन में नारेबाजी करनी है, तख्तियां चलानी है, तो फिर सदन चलाने की व्यवस्था नहीं होगी। आप विचार कर ले, चलाना चाहते हैं आप सदन? हम तो सर सत्ता पक्ष से सर मांग की थी कि आप विषय क्या है सर? विषय तो ये है सर, ये सत्तारूढ़ पार्टी के एमपी सदस्य महात्मा गांधी जी को धज्जियां उड़ाते हैं और प्रेसिडेंट के लेटेस्ट में पूछो वो कहते हैं और ये आके बेल नाउ सोनिया गांधी एंड राहुल गांधी देयर ऑन बेल, व्हाट यू आर टॉकिंग ऑन अबाउट? आप डिबेट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.